मेरठ की रहने वाली नाजिश का किडनी ट्रांसप्लांट आरोग्य योजना के अंतर्गत यशोदा में किया गया है। किस तरह से नाजिश यहाँ पे पहुंची और क्या बच्ची की हालत है और डोनर जो था उसकी क्या हालत है, कितने दिन वो हॉस्पिटल में रही? ये मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि आयुष्मान भारत की स्कीम जो थी योगी जी के पहल पर, संगीता सिंह जो इसकी सीईओ हैं आयुष्मान भारत की यूपी की, वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये पेशेंट्स को, इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं जो बड़े ऑपरेशंस हैं उनको कीजिए, यूपी में इस तरीके के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। ये यूपी का पहला ऑपरेशन है जो कि किडनी ट्रांसप्लांट का। हम 2-3 साल से 4 साल से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान भारत का ये यूपी का पहला ऑपरेशन है जो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से हुआ, जिसमें जो पेशेंट है नाजिश, वो सिर्फ 28 वर्ष की है, उसकी किडनी ख़राब हो गई थी, वो जगह जगह धक्के खा रही थी और ढूंढ रही थी कि कोई किसी तरीके से उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए। और जब वो यहाँ पर किसी ने उसको भेजा, और शायद वो लखनऊ भी गई थी तो लखनऊ से यहाँ डायरेक्ट हुआ, जो भी जैसे भी घूम फिर के वो यहाँ आई, तो उसका ऑपरेशन हुआ नाजिश का और उसकी जो मदर है उसने उसको किडनी को डोनेट किया। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, डोनर भी डोनी भी। इसमें डोनी को भी रिस्क रहता है जो अपनी किडनी देता है, और डोनर को भी। सक्सेसफुली दोनों ठीक हैं और दोनों ऑपरेशन कामयाब हैं। सर, माना जाए आयुष्मान योजना के तहत नाजिश को ईद का गिफ्ट मिला, क्योंकि ईद पर वो स्वस्थ होकर अपने घर चली गई और अब परिवार के साथ ईद मना रही है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये वास्तव में ये ईद का गिफ्ट खाली नाजिश को या उसके परिवार को नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को है कि एक मुस्लिमों का ये त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। ये बड़ा गिफ्ट योगी जी के पहल से और मोदी जी की जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत मिला। ये मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ये ईद का बहुत अच्छा गिफ्ट मिला। कितना लाभ सर इस योजना का, कितने उपयोगी समझते हैं सर ये योजना आयुष्मान भारत, और दूसरा ये कि गरीबों को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, आयुष्मान भारत एक बहुत अच्छी स्कीम है। हम लोग 33 साल से मैं अस्पताल चला रहा हूँ, मैं देखता था लोग, गरीब लोग आते थे कि साहब हमारा घर बिक गया और हमारे को ये प्रॉब्लम हो गई, पैसा कहाँ से लाएं, क्या करें। आज कम से कम कोई भी मरीज उत्तर प्रदेश का इसके इलाज के अभाव में नहीं मर रहा है, सबको इलाज मिल रहा है इस स्कीम के तहत। ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। सर, क्या मानते हैं, जैसे आपने इस योजना के अंतर्गत किडनी ट्रांसप्लांट जैसा बड़ा ऑपरेशन किया, सफलतापूर्वक किया, तो ऐसे में बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को भी और आगे आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और भाई, ये खाली व्यापार नहीं है, ये एक सेवा भी है अस्पताल का कार्य जो है, और सभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को इसमें करना चाहिए और आगे बढ़ के आना चाहिए।